Hey guys, welcome back to my channel. I'm Chani Sagat Ramani and as you guys can see in the title, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है फ्लिपकार्ट पे और फ्लिपकार्ट से हमने लिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियोस में कि अब जो भी कंटेंट आएगा वो ज्यादातर समर के रिलेटेड आएगा, तो इसमें जो भी कपड़े हैं वो ज्यादातर समर के रिलेटेड है और अब भी बहुत अच्छे कपड़े मुझे मिल रहे हैं हर जगह पे। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फ्लिपकार्ट पे बहुत अच्छी चीजें मिलती हैं और काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती हैं, तो मैं अभी आपको जल्दी से ये चीजें दिखाने वाली हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसके साथ जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में पहना था और मुझे लोगों ने पूछा था कि ये कहाँ से है। तो ये जो ड्रेस है ये है फ्लिपकार्ट से, ब्लू कलर की ड्रेस है और इसका प्राइस था सिर्फ 400 रुपीज। अब मुझे पता है समर जब आता है ना, मैं तो बहुत ज्यादा ड्रेसेस ढूंढती हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समर में ऐसी ड्रेसेस दिखाई थी जो फ्लोरल टाइप होती है और वो स्लिट टाइप जो ड्रेसेस आती है, तो वैसे टाइप की ड्रेसेस अभी अर्बैनिक पे मिल जाती है, अमेजोन पे मिल जाती है, कभी कभी कहीं मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि मीशो पे मिल जाती है, बट फ्लिपकार्ट पे भी ऐसी बहुत ज्यादा मिलती है। बट ज्यादातर मैंने जब देखा है बहुत कम प्राइस पे वो फ्लिपकार्ट पे मुझे दिखी है, तो ये वाली थी सिर्फ 400 रुपीज की। अब 400 के हिसाब से ये बहुत अच्छी ड्रेस आई है, इसका फिटिंग 10 था। ऐसा होता है ना कि कितना आप दोगे फिटिंग को, मुझे 10 out of 10 देना है, मुझे इतना अच्छा फिटिंग लगा इसका। इसका जो मटेरियल है वो काफी अच्छा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मुझे ऐसा चाहिए होता है समर्स में कि एक तो मटेरियल थोड़ा अच्छा हो और ठंडा हो, तो उसके टाइप का मटेरियल है इसका। काफी पतला सा मटेरियल है बट इसमें सी थ्रू नहीं है, जो अच्छी चीज है। काफी चीजें ऐसी होती है जो सी थ्रू होती है। आपको यहाँ पे नीचे यहाँ स्लिट मिल जाता है, जो इसका स्लिट बहुत सही है, बहुत ज्यादा ना ऊपर है ना बहुत ज्यादा नीचे है, बहुत सही स्लिट दिया हुआ है इसमें। और यहाँ पे आपको टाई करना होता है, यहाँ पे आपको टाई करना होगा। मैंने इसका साइज क्या ऑर्डर किया था मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये रहा, इसका साइज है एस और एस के हिसाब से मींस मैंने जो देखा था कि ऐसा ऐसा मेजरमेंट होगा इसका, उसके हिसाब से मुझे काफी सही लगा इसका जो फिटिंग है। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो इसका जो कलर है, जो इसका फिटिंग है, जो इसका मटेरियल है, सब बहुत ज्यादा अच्छा था। 400 के हिसाब से आपको जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके साथ दो प्रोडक्ट शेयर करने हैं जो है मामा अर्थ से। जो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है उनका मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है उनका मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। अब ये दोनों जो है ना वो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं जिनकी ऑयली स्किन है और एक्ने प्रोन स्किन है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है और मुझे उस वजह से एक्ने भी होता है, तो मुझे ये दोनों काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अगर आपको भी ट्राई करना है तो आप जरूर कर सकते हो इनको, और मुल्तानी मिट्टी आपको भी पता है कितनी ज्यादा अच्छी होती है फेस के लिए, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। मैं इनके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी रेंज हैज इंग्रेडिएंट्स लाइक मुल्तानी मिट्टी, बुल्गेरियन रोज, नायासिनमाइड एंड विटामिन ई। मुल्तानी मिट्टी एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑयल एंड फाइट्स एक्ने, बुल्गेरियन रोज प्रमोट्स हाइड्रेशन एंड सेव स्किन फ्रॉम ओवर ड्राइंग, नायासिनमाइड प्रमोट्स इवन स्किन टोन एंड विटामिन ई लॉक्स इन मॉइस्चर टू प्रमोट इवन स्किन टोन। इट्स नॉन ड्राइंग फॉर्मूला इज सेफ फॉर डेली यूज एंड इज सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री विथ नो पैराबेंस और हार्मफुल केमिकल्स। तो गाइस, अगर आपको ये प्रोडक्ट्स ट्राई करने हैं तो यहाँ है मेरा कूपन कोड जो है SANGA2023, जिससे आपको मिलेगा 20% off आपकी परचेज पे। ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है नाइका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की खुद की वेबसाइट और ऐप, और अब तो आपके नियर बाय स्टोर्स में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जरूर खरीद सकते हैं। अगर आप उनकी खुद की वेबसाइट से कुछ भी खरीदते हैं तो वो आपको लिंक करता है एक प्लांट के साथ, जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। और मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है और एक इंडियन ब्रांड है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स को। तो अब हम चलते हैं आगे वीडियो में। अब जो नेक्स्ट है वो है ये स्कर्ट। ये स्कर्ट बहुत ज्यादा देख रही थी मैं, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को देखा है मैंने और बहुत लोगों को देखा है मैंने ये ट्राई करते हुए पहनते हुए, ये कितना क्यूट है। पिंक कलर का स्कर्ट है, मुझे ये इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था, बट इसका मिंत्रा पे प्राइस थोड़ा ज्यादा था, उस कंपेयर में मुझे ये फ्लिपकार्ट पे काफी सही पड़ा, उस प्राइस से काफी कम में पड़ा। ये सिर्फ 450 रुपीज का था, 450 में बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल काफी अच्छा है और सी थ्रू थोड़ा सा लग रहा है, अब मुझे इतना अच्छे से नहीं आइडिया आ रहा है इसका, पहनने के बाद पता चलेगा, बट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको पीछे ये दिया होता है इलास्टिक, जैसे आप पहन पाओ इजीली इसको। यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेलिंग दी हुई है और यहाँ से नीचे स्लिट है, इसका स्लिट थोड़ा ज्यादा बड़ा है, जैसे मुझे इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता, बट स्टिल कभी कभी पहनने में मुझे लगता है काफी अच्छा लगेगा। इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है, इस कलर के लिए ही मैंने इसको लिया है। इसका मैंने साइज स्मॉल लिया है और मैंने इसको पहना नहीं है, तो आई डोंट नो इसका क्या होगा, मतलब मुझे आएगा कि नहीं अच्छे से, बट इसके कलर के बाद मुझे फील हो रहा है अगर नहीं भी आएगा तो मैं इसमें
मैं दूसरा साइज ऑर्डर कर दूंगी। बहुत ज्यादा प्यारा स्कर्ट है, आपको जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। ये 450 में मुझे लगता है कि आपको समर के लिए कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप इसके ऊपर कोई भी टॉप पहनोगे बहुत ज्यादा क्यूट लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम मैंने मिंत्रा की बॉटम वेयर जो वीडियो डाली थी उसमें किसी ने मुझसे पूछा था कि मैंने टॉप्स कहाँ से लिए, अब उसमें से जो टॉप्स थे उनका मैं वीडियो तो देने ही वाली हूँ, बट उनमें से एक टॉप जो था वो ये था ब्लू कलर का। ये वाला जो टॉप है ये समथिंग 500 रुपीज का था। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ, 500 के हिसाब से मुझे लगा ये थोड़ा ज्यादा बोल सकते ना अच्छा हो सकता था, इसकी फिटिंग अच्छे से नहीं खड़ी रह रही तो मुझे नहीं लगता 500 देने लायक है। बट अगर फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं आता है आपको फिटिंग का तो 500 मुझे लगता है सही है अगर आप देना चाहते हो इसके लिए। तो मुझे इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगा ये। आपको यहाँ पे इनको टाई करना होगा दोनों साइड से और आगे से ऐसे दिखेगा। इसका जो नीचे का पार्ट है वो ऐसे ट्रायंगल टाइप दिया हुआ है और मुझे ये काफी ज्यादा अच्छा लगा था। इसके कलर और सब चीजों के हिसाब से मुझे काफी क्यूट लगा, अगर आपको लेना है तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो है ये ड्रेस। ये मिनी ड्रेस है ग्रीन कलर की और यहाँ पे आपको टाई करना होगा और ये बहुत ज्यादा क्यूट ड्रेस है, बट इसका मटेरियल ओके है, मतलब मुझे लगता है कि समर के हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा मोटा है, बट फिर भी मिनी ड्रेस है तो ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आ सकती है। मिनी ड्रेसेस अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है और ये भी समथिंग 450 टू 500 के आसपास था और इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है। अब मैंने कलर्स इतने ज्यादा प्यारे लिए ना, ब्लू, ग्रीन, पिंक, येलो, और यहाँ पे जो फ्लावर्स बने हुए छोटे छोटे फ्लोरल वो प्रिंट दी हुई है वो भी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। आई थिंक कि ये थोड़ा सा हो सकता है कि 450-500 के हिसाब से आपको लगे कि इसका मटेरियल इतना अच्छा नहीं है, बट अगर पहनने के बाद अच्छा लगता है तो आई थिंक कि आपको ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि पहनने के बाद आपको इतनी ज्यादा गर्मी तो नहीं होने वाली क्योंकि ये मिनी ड्रेस है। और मुझे लगता है कि अगर आप पे ये अच्छी लगती है तो फिर उतना वर्थ है देना, पे करना। मुझे अब तक इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी है जो मुझे लगा हो कि बहुत ज्यादा महंगी है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है मटेरियल का बहुत ज्यादा, ये सारे काफी ज्यादा अच्छे थे। तो अब हम लास्ट की तरफ चलते हैं, अब लास्ट वाला कैसा निकलता है वो देखते हैं। लास्ट ड्रेस है वो है ये वाली येलो कलर की। अब मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये मेरा लीस्ट फेवरेट है इसमें से, क्योंकि इसका मटेरियल काफी ज्यादा मतलब बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना कि जो पतला मटेरियल भी होता है लाइक जैसे हमारी फर्स्ट ड्रेस थी ना वैसे टाइप का मटेरियल है इसका, बट वो काफी ज्यादा सॉफ्ट था, ये इतना सॉफ्ट नहीं है मटेरियल। आपको पहनने में थोड़ा सा लगेगा कि समर में आपको नहीं अच्छा लगे ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है मुझे। और इसका जो कलर है वो भी मुझे ओके लगा, मुझे लगा था इसका फ्लोरल प्रिंट जो बहुत अच्छा लगेगा बट दिखने में वो नहीं अच्छा लग रहा जैसे मुझे फील हुआ था। और ये नॉर्मल ड्रेस जैसा है नीचे से और ऊपर से भी, बस इसमें एक चीज है डिफरेंट जो है पीछे इसका बैक, यहाँ पे बैक में आपको टाई करना होता है बो टाइप जो काफी क्यूट लग सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा ओके ओके प्रोडक्ट है, इसका भी 450 या 500 प्राइस होगा, आई डोंट नो मुझे याद नहीं आ रहा है इतना, इसका भी 450 या 500 ही प्राइस होगा, बट आई थिंक उसके हिसाब से आप कुछ और ले सकते हो जो मैंने आपको दिखाया, कुछ और भी फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, ये इतना ज्यादा वर्थ नहीं लग रहा मुझे। आपको अच्छा लगता है मेरे को, मैं वीडियो दूंगी आपको तो वहां पे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सबका अलग अलग होता है लाइक किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं, पर मुझे इसका फ्लोरल प्रिंट इतना ज्यादा नहीं अच्छा लगा इसलिए मैं इसको शायद रिटर्न करूंगी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना जैसे आपको चले मेरी न्यू वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप कमेंट करके बताना आपको क्या क्या अच्छा लगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई भी लिंक्स चाहिए हो, आप कुछ भी क्वेश्चन हो आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।